7,802 करोड़ रुपए के फसली ऋण माफ किए। अब नेशनलाइज्ड बैंकों के लोन कैसे माफ होंगे? किसानों की जमीन नीलामी कैसे रुकेगी? कर्ज का जाल कैसे सुधरे किसान का हाल? कर्ज का जाल, अन्नदाता बदहाल, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, कैसे पार होगी किसान की नैया, कैसे खुशहाल होंगे किसान? कर्ज माफी है समस्या का समाधान, कर्ज का जाल किसान बेहाल, कर्ज के जाल से कैसे निकले किसान, नेशनलाइज्ड बैंकों के लोन कैसे माफ होंगे? तो वहीं हमारे साथ इस वक्त हमारे गेस्ट राजेंद्र मेघवाल, जो कि कांग्रेस नेता हैं, वो शामिल हैं, और अवधेश अकोदिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। राजेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपका कि विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार किसान कर्ज माफी का जो वायदा है वो पूरा नहीं कर सकी है। देखिए आयुषी जी, जहाँ तक राज्य सरकार पर ये जो बात कह रहे हैं, उससे पहले इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और केंद्र में किसान विरोधी जो मोदी सरकार है, जिसने लगातार किसानों के साथ में जो छलावा किया है, आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि तीनों काले कृषि कानून सरकार ने वापस लिए किसानों के सामने झुकते हुए। तो पहले एक साल से अधिक समय तक किसान पूरी की तरीके से मतलब दिल्ली को घेर के बैठे रहे, और किसानों की 700 से अधिक किसानों की शहादत हो गई। उसके बाद किसानों की शहादत पर एक आंसू नहीं बहाया केंद्र की मोदी सरकार ने या प्रधानमंत्री जी ने, और उन पर कैसे घिनौने आरोप लगाए, उल्टा सीधा उनको कहा, गालियां तक निकाली, राष्ट्रद्रोही कहा, आतंकवादी कहा, क्या क्या नहीं कहा, उसके बावजूद भी अन्नदाता टस से मस नहीं हुआ। तो मैं यहां बताना चाहता हूं वादा खिलाफी क्या होती है। वादा खिलाफी वो है कि किसानों से वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि मैं फरवरी 2022 तक किसानों की आय दुगनी करूंगा। क्या मुझे बता दीजिए किसानों की आय दुगनी हुई? लेकिन दुगनी तो नहीं, यहां किसानों की लागत कई कई गुना बढ़ गई है, जो किसानों के ऊपर जिस तरीके से इस सरकार ने जो गलत फैसले लादे हैं। तो केंद्र की मोदी जो सरकार है, जिसने किसानों के ऊपर एक के बाद एक गलत फैसला किया, मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि जो रिजर्व बैंक के अधीन नेशनलाइज बैंक आते हैं, उनके जो कर्ज हैं किसानों के, उन कर्जों के लेकर जो ये नेशनलाइज बैंक है वो किसानों की जमीन कुर्क करना चाहते हैं। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपको मैं इस बैकग्राउंड में बताना चाहूंगा कि 2 नवंबर 2020 को राजस्थान की विधानसभा से यह कानून पारित हुआ था कि 5 एकड़ से कम भूमि किसानों की कुर्की नहीं की जा सकती। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, वो कानून पास हुआ, उसके अलावा किसानों को संरक्षण देने के लिए 3 कानून भी पारित किए गए। ये 4 कानून राजस्थान के राज्यपाल के पास में पड़े हुए, उनको राष्ट्रपति तक क्यों नहीं जाने दिया गया, या उनको स्वीकृति क्यों नहीं दी गई कि वो कानून बन जाए? तो हम यहां कहना चाहते हैं, हमने लगातार, आपको याद होगा यूपीए के कार्यकाल में भी हमने 72,000 करोड़ के किसानों के कर्ज माफ किए हैं। इस सरकार ने किसानों का कर्ज तो माफ करना दूर, यहां तक मतलब लोकसभा में तब के वित्त मंत्री ने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता। अरे इनसे कोई पूछे कि किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन आप कॉरपोरेट का 11 लाख करोड़ का एनपीए कर सकते हैं 2014 के बाद में। करीबन 7 साल के पीरियड में इन्होंने 11 लाख करोड़ का पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया, अन्नदाता का कर्जा माफ नहीं किया। अन्नदाता इस देश का पेट भरता है, अन्नदाता इस देश का पालनहार है, इस देश को आत्मनिर्भर बनाया खाद्यान्नों में। कांग्रेस के शासन में इस देश के अंदर आत्मनिर्भरता आई। आपको पता होगा 1947 में जब देश आजाद हुआ तब देश में खाद्यान्न का उत्पादन कितना था, लेकिन हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, इस देश के अंदर जो भी कृषि क्षेत्र के अंदर नवाचार हुए हैं या जो प्रगति हुई है वो कांग्रेस के शासन में ही हुई है। इनके शासन में सिर्फ और सिर्फ किसानों की जमीन को हड़पने के लिए भूमि अधिग्रहण का काला कानून आया, जिसके हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरा का पूरा भट्टा परसौल के अंदर इस सरकार के घुटने टिकवाए, एक बार नहीं 3 बार।
तो आप इस चीज को देखिए, कांग्रेस किसानों की हितैषी है शुरू से, जब से देश आजाद हुआ है, और आज भी हम किसानों के साथ खड़े हुए। हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जब हमने 2018 में हमारी सरकार बनी, हमने किसानों के कर्जे माफ किए। पहली 48 घंटे के अंदर, सरकार बनने के 48 घंटे के बाद में कर्ज माफी की घोषणा की। राजेंद्र जी, जैसा आपने कहा कि कर्ज माफी की माफ किए आपने, 21 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए, लेकिन फिर भी नीलामी अभी भी हो रही है। ऐसे में कैसे किसान समाधान ढूंढ पाएंगे? मैंने आपको बताया ना कि प्रदेश में रिजर्व बैंक के अंडर में आने वाले नेशनलाइज बैंक, जिसके अंदर एक रोड़ा एक्ट है, तो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज एक्ट, जिसके तहत नेशनलाइज बैंक नीलामी कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब यह मैटर आया, तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि, और उसके साथ केंद्र सरकार को लिखा, राजस्थान से 25 सांसद चुनके गए हुए हैं, केंद्र के अंदर कृषि राज्य मंत्री राजस्थान से है, केंद्र के अंदर जल शक्ति मंत्री राजस्थान से, बड़े बड़े मंत्री हैं, 25 सांसद राजस्थान से चुनकर गए हैं। वो किसानों की केंद्र सरकार से मांग क्यों नहीं करते कि जो नेशनलाइज बैंकों के अंदर जो किसानों की जमीन कुर्की की जा रही है, उस कुर्की को रोका जाए। ये लोग हमारे भाजपा के जो लोग हैं, चाहे भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, ये राजस्थान सरकार पे सवाल उठा रहे। सवाल इस वक्त केंद्र सरकार पे है कि इनको केंद्र की सरकार से ये सवाल करना चाहिए कि जो रिजर्व बैंक के अधीन आते हैं नेशनलाइज बैंक, वो नीलामी कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक नहीं कर रहे हैं, ये सरकार ने। और फिर मैं दूसरा चीज जोड़ना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो 5 एकड़ भूमि को नीलाम नहीं करने का जो कानून पारित किया है विधानसभा से, उस कानून को राज्यपाल रोक के क्यों बैठे? आप सवाल पूछिए उनकी सरकार से, उनकी केंद्र की सरकार से पूछिए, और वहां के जो यहां के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया जी, उनसे सवाल पूछिए कि राज्यपाल क्यों बैठे हुए हैं, जो किसानों के हित के कानून है उन कानूनों को रोक के क्यों बैठे हुए हैं। जी, हमारे साथ हमारे एक और गेस्ट प्रेम सिंह आजाद जी जुड़ चुके हैं, जो कि इलाहाबाद बैंक के पूर्व डीजीएम हैं। आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। प्रेम जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि सहकारी और नेशनलाइज्ड बैंक में जो कर्ज माफी की प्रक्रिया है वो कैसे होती है? और जो भी उसके नियम लागू होते हैं, वो राज्य सरकार चाहे तो उनके कर्जे माफ करती है, तो उसमें बाकी वो दखल नहीं होता है। लेकिन जहां तक नेशनलाइज बैंकों की बात है, नेशनलाइज बैंक रिजर्व बैंक के डायरेक्ट अधीन में आते हैं, उनके डायरेक्शन में काम करते हैं। और जो कर्ज माफी की जैसे बात है, तो कर्ज माफी जैसी कोई जैसा कोई नाम बैंकों में नहीं होता। हाँ, उसको हम लोग एक मुश्त समाधान वर्ड यूज करते हैं, जिसको ओटीएफ कहते हैं, वन टाइम सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट का मतलब कि कोई भी आदमी अगर किसी प्रॉब्लम में है, चाहे उसको आर्थिक परेशानी हो, चाहे उसको कोई ऐसी प्राकृतिक विपदा आई हो, या और कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से अगर वो कर्ज नहीं चुका पा रहा है, तो उसको फिर से अपने अपने कर्जों को रीशेड्यूल करने का ऑप्शन है। रीशेड्यूल का मतलब कि वो 1 साल से लेकर 5 साल तक उसको रीशेड्यूल किया जा सकता है कि अभी प्रेजेंट स्टेट में जो भी उनके ऋण है, उनको आगे जब उनके पास कर्ज देने की क्षमता हो, तब उनको किस्तों में लिया जा सकता है, आसान किस्तों में लिया जा सकता है। ये हो गई पहली चीज। दूसरी, जो 5 एकड़ तक की जमीन है, उस पर जो हम लोग कॉमर्शियल बैंक नेशनलाइज बैंक से जो कर्जे दिए जाते हैं, वो ज्यादातर कर्जे लगभग 1 लाख रुपए तक के होते हैं, और 1 लाख रुपए तक का के लोन के लिए जो आरबीआई कहता है कि उसमें किसी भी तरह का जमीन बंधक नहीं की जा सकती। और जब जमीन बंधक नहीं की जा सकती, तो इसका मतलब कि उसमें नीलामी का कोई सवाल नहीं उठता। इसका मतलब उनकी पर्सनल गारंटी भी, 1 लाख रुपए तक के लोन उनकी पर्सनल गारंटी में दिए जाते हैं। तीसरी चीज, जो बाकी जगह सहकारी बैंकों में यह है कि आप ऋण जो है, जो भी आप लोन में अगर मान लीजिए है, तो उसमें कितना भी ब्याज लगा सकते हैं, ब्याज पे ब्याज लगता जाता है। और लेकिन जो सरकारी बैंक है, जो नेशनलाइज बैंक है, नेशनलाइज बैंक में जो भी वो जब भी वो खाता अपनी खराब होता है या किसी कारण से वो किस्त नहीं दे पाता है, जब वो एनपीए कैटेगरी में जाता है, उसके बाद से उसमें ब्याज लगना बंद हो जाता है। और जब भी उसमें समाधान की बात होती है या किसी भी तरीके से एक मुश्त समाधान की बात होती है, तो वो हमेशा उसके जो भी मूलधन है उसी के ऊपर बात होती है। जी, सवाल ये भी है कि
कर्ज चुकाने में जो किसान असमर्थ हैं, उन्हें राहत किस तरह पहुंचाई जा सकती है कि उनकी जमीन कुर्की ना हो और नीलामी होने जैसी नौबत ना आए? मैंने आपको बताया कि 1 लाख रुपए तक का तो जो भी 1 लाख रुपए का लोन हम किसको देते हैं, जो 5 एकड़ की जमीन है जी, उनको 1 लाख रुपए तक का लोन है, क्योंकि ट्रैक्टर लोन के लिए कम से कम 8 एकड़ जमीन होनी चाहिए, या कोई भी इंप्लीमेंट अगर आपको बड़ा लेना है तो वहां पर जमीन बंधक की नौबत आती है, वो बड़े किसान है जी। तो बड़े किसान को जब लोन दिया जाता है 1 लाख रुपए से ज्यादा, तो उसमें जमीन बंधक की जाती है और उसमें जो है अगर वो नहीं चुकता कर पाते तो उनको भी ये चीजें सुविधाएं उपलब्ध है कि वो चाहे तो उसको रिशेड्यूल करा सकते हैं, जब उनकी स्थिति ठीक हो तो उसको दे सकते हैं, तो वो आसान किस्तों पे किया। दूसरा, आपको ये पता है कि हम जो नेशनलाइज बैंक है, जो RBI के जो नियम से चलते हैं, तो वो 3% ब्याज पे, साधारण ब्याज पे लोन देते हैं। वो कैसे, 7% मान लीजिए कृषि ऋण पे ब्याज है और 4% उसमें, 3 से 4% उसमें सब्सिडी मिलती है अगर वो रेगुलर रहे अकाउंट जी। तो इसका मतलब 3%, तो 3% में आजकल इंटरेस्ट अगर कॉमर्शियल बैंक RBI के अधीन दे रहे हैं तो इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती। सिर्फ जानकारी की कमी है, हम लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को बता नहीं पा रहे हैं। ये हमारे बैंकों की भी कमी हो सकती है या जो हमारे लोग वहां लगे हुए हैं जो संपर्क में है किसानों के, वो बताते नहीं है। उनको बताना चाहिए कि अगर आप पहली बात तो 7% साधारण ब्याज पे आपको एक जो लोन मिल रहा है, जो भी आपका कृषि ऋण है, और दूसरी चीज कि अगर आप इसको समय से चुकता करेंगे, मान लीजिए अगर उसने क्रॉप लोन के लिया और 6 महीने के बाद से जैसी फसल आई और उसको जमा कर दिया, उसको 4% सब्सिडी में, सिर्फ 3% ब्याज लगता है। तो ये सब चीजें हैं। दूसरी, जमीन का नीलामी का कोई उसमें वो नहीं है। कारण ये कि जब भी ये ऐसा होता है, जैसे हम ऋण माफी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ऋण माफी में अगर एक मिश्र समाधान है, इवन आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बाद में लिखा होगा 10% जो पोर्शन भी जिसने जमा किया, उसके बाद बाकी पैसे जो है जो गरीब थे, जो जरूरतमंद थे, सबके लिए माफ हो सकते हैं। लेकिन ये जो किसी परेशानी में है उनके लिए माफ हो सकते हैं, लेकिन एक पोर्शन तक, उसको एक मिश्र समाधान बोला जाता है। और वो इवन वो 10% से लेके और 40% 50% तक जितना भी देने की क्षमता है वो दें। और सबसे बड़ी चीज मैडम एक चीज ये है कि पैसा, जैसे आज किसान, सिर्फ किसानों के लिए नियम है, अगर किसान ने आज ऋण चुकता किया और समझौता किया दिन जी, और उसने उसको कल फिर कर्जा चाहिए तो तुरंत कर्जा मिल सकता है। इसका मतलब अगर किसी से लेके भी पैसा, उसने अगर कर्ज को चुकता किया है, तो अगले दिन जाके बैंक से फिर दोबारा अगली फसल के लिए आपने दूसरे काम के लिए लोन ले सकता है। तो इस तरह की RBI की सुविधा है जी। हमारे साथ हमारे एक और गेस्ट OP यादव जुड़ चुके हैं, जो कि BJP के नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका OP जी। आपसे सवाल यही रहेगा कि क्या आप मानते हैं कि किसान कर्ज माफी का जो वायदा राज्य सरकार का था वो पूरा नहीं हो सका? बिल्कुल, देखिए, किसान को इन्होंने 2019 जब विधानसभा चुनाव था तो उसको भ्रमित करने का काम किया और भ्रमित कर करके उनका वोट बटोरने के लिए इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया। ये जब ये पेचीदगियां इनको मालूम थी कि सरकारी बैंक का हम नहीं कर सकते ऋण माफ, तो इन्होंने संपूर्ण कर्ज माफ करने का वादा नहीं करना चाहिए था जनता से, क्योंकि किसान इनके बुलावे में आ गया और उस भरोसे में उसने अपना जो ऋण बकाया था वो समय पर अदा नहीं किया, क्योंकि वो इस इंतजार में रहा कि मेरा ऋण माफ हो जाएगा। इसलिए इस तरह की जो कुरूति, ये जो कमियां रखी है सरकार ने, निश्चित रूप से इसमें दोष यहाँ की राज्य सरकार को जाएगा। इन्होंने किसान को बुलावा में रखा, जिसके कारण से आज किसान की ये स्थिति हुई है। इनको स्पष्ट करते ना, जब आज ये समस्या आ रही थी या तो ये उस समय झूठ बोल रहे थे या फिर ये अब झूठ बोल रहे हैं कि हमने हमारा कर्जा माफ कर दिया सहकारी का, अब केंद्र सरकार जाने केंद्र का जो बैंक का पैसा है उसको। अरे उसी टाइम तुम बोलते कि हम सरकारी बैंकों का कर्जा माफ नहीं करेंगे,
हम केवल सहकारी समितियों का ही कर्जा माफ करेंगे, या तो उस समय स्पष्ट करते। अब ये बिल्कुल निश्चित रूप से किसान को बचाना चाहिए। जी, कहना उनका साफ है कि सरकार का कहना है कि जो नेशनलाइज्ड बैंक है और जो नाबार्ड के अधीन बैंक आते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बैंक आते हैं, उनको राज्य सरकार कर्ज माफी नहीं कर सकती है, उनमें सिर्फ केंद्र का ही दखल दिया जा सकता है। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि 2019 में जब ये मंच पे ऐलान कर रहे थे एक दो दिन दस 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 गिना और कर्जा माफ, तो उस समय इनको ये बोलना चाहिए था कि नाबार्ड बैंक और नेशनलाइज बैंक को छोड़ करके हम सभी कर्जे माफ करेंगे, या तो ये ऐसा बोलते उस समय, ताकि किसान क्लियर तो हो जाता कि मुझे कौन सा तो जमा करवाना है कौन सा नहीं जमा करवाना है। इन्होंने संपूर्ण कर्ज माफ, इनका ऑडियो उठा करके देख लीजिए, उस समय के इनके कार्यक्रम का वीडियो चला करके एक बार जनता को दिखाइए तो सही, इनकी हकीकत का पता लगे। क्योंकि जब ये बोल सकते हैं संपूर्ण कर्जा माफ, तो किसान तो इसी बुलावे में आ गया ना कि मेरा तो सारा कर्जा माफ हो जाएगा इसलिए मुझे भरना नहीं है। उसने शिथिलता बरती, कर्जा भरा नहीं, और कर्जा नहीं भरा, ब्याज पे ब्याज लगता गया, वो इतना हो गया कि अब उसके बस का नहीं है भरना, तो उसका समाधान राज्य सरकार को निकालना चाहिए। ओपी जी, राजेंद्र जी का ये भी कहना है कि बिल तो लाया गया लेकिन वो राज्यपाल के पास अटका रह गया, क्यों नहीं राज्यपाल उस पर कोई संज्ञान ले रहे हैं? कौन सा बिल लाया गया, कौन सा बिल लाए हैं? ये जो किसान कर्जे से संबंधित तो कोई बिल लाए नहीं, ये तो अभी किसान का 5 एकड़ कृषि भूमि को नीलाम नहीं किया जा सकता, ये राजस्थान विधानसभा से बिल पारित हुआ है 2 नवंबर 2020 को। आपको पता नहीं है तो यहाँ प्लीज गलत बात मत कीजिए, आपको पता नहीं है मान लीजिए इस बात को। नहीं, क्या क्या 2 नवंबर 5 एकड़ से कम भूमि किसानों की कुड़क नहीं की जा सकती, ना तो आपके अध्यक्ष जी को पता है ना ही आपके विधायकों को पता है। विधानसभा के अंदर क्या करते हैं वो लोग, उनको अगर अपने क्षेत्र के अंदर ऐसी बातें आ रही है तो उनको लाना चाहिए, और फिर राज्यपाल उस कानून के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं, उसको पारित करना चाहिए। फिर आपने जो बातें कही, मैं ये कहना चाहता हूं आयुषी जी कि वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार को लिखा, नेशनलाइज बैंकों को लिखा कि हम किसानों का 10% एक मुश्त देने के लिए तैयार हैं, आप किसानों को कर्ज मुक्त कर दीजिए। केंद्र सरकार क्यों नहीं जवाब देती? राजस्थान से 25 सांसद जीत के गए हुए हैं, आपके अधिकार में है तो ये मोदी जी का किसान विरोधी चेहरा सामने आ गया है, तो ये इन लोगों को दिक्कत हो रही है, जबकि राजस्थान सरकार लगातार आपको पता एक फैसले के अंदर 21 लाख किसानों को कर्ज मुक्ति मिली थी, करीबन 1,55,000 हेक्टेयर भूमि जो कि रेहन मुक्त हुई थी। तो ये सारी बातें हैं, ये अपना चेहरा कहां लेकर जाएंगे? इन्होंने किसान विरोधी काले कानून लाए, इन काले कानून के आगे किसानों के सामने इनको झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, बोला हम किसानों को समझा नहीं पाए। अरे भाई, आप तो अपने केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को भी नहीं समझा पाए, आप अपने सारों को, आपको नहीं पता है। अरे ओपी यादव जी, आपको पता नहीं है, आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए। और किसानों के कर्ज माफी पे राजस्थान सरकार ने 21 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है, आप इस चीज को देखिए। राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के अधीन आने वाले कर्जे को भी माफ करना चाहती है। केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक के अधीन आने वाले बैंकों के लिए प्रस्ताव दिया, बोला 10% राशि राजस्थान सरकार चुकाना चाहती है, और किसानों को कर्ज मुक्ति के प्रमाण पत्र दे दिए। राजस्थान अपने हिस्से का पैसा देने के लिए तैयार है। आप केंद्र सरकार से बात कीजिए, आप अपने सांसदों से बात कीजिए, आपके सांसद आपकी सुनते नहीं है, आपके सांसद आपके बीच में तालमेल है ही नहीं। आप रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम हो, ये बात मान लो आप। आपके अंदर इतना ज्यादा विरोधाभास है कि किसानों की क्या, युवाओं की किसी की बात नहीं करते। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके आए थे, उन्होंने कहा था कि 2022 तक, फरवरी 2022 तक किसानों की आय दुगनी करूंगा। मुझे बता दीजिए किसानों की आय दुगनी हुई क्या? ओपी जी आप बताइए, किसानों की आय दुगनी हुई क्या? हमने कर्जा माफ किया और हम केंद्र सरकार से भी ये समस्या आएगी हमारे सामने, आप बताइए ना, किसानों की आय दुगनी हुई लेकिन हमने। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी आपसे सवाल रहेगा, चुनावी घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी के वायदे का जो मतलब निकाला गया कि सभी किसानों के लोन माफ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार ने कहा कि सिर्फ सहकारी बैंकों के ही कर्ज माफ करवा सकते हैं और वो भी किए,
तो क्या ये एक भ्रामक वादा था जिसने किसानों को गलतफहमी में डाल दिया कि अब तो सभी कर्ज माफ हो जाएंगे? सुनिए सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। आयुषी जी, हम इस पैनल में जो भी बैठे हैं सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सबने कानून भी पढ़ा है और संविधान भी पढ़ा है। भारत राज्यों का संघ है, भारत के अंदर किसान राज्य सरकार के लिए भी वोट देता है, भारत के अंदर किसान केंद्र सरकार के लिए भी वोट देता है। जब कोई भी फैसला किया जाता है तो उसमें केंद्र सरकार भी शामिल होती है। राजस्थान सरकार ने मांग की और क्योंकि राजस्थान से 25 सांसद भाजपा के हैं, उन्होंने राजस्थान के किसानों की या देश के किसानों की कौन सी आवाज उठाई? इनको जवाब देना चाहिए ना। और फिर राजस्थान सरकार अगर कुछ भी करती है तो केंद्र सरकार से जो संसाधन मिलते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। तो ये बात नहीं कह सकते कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, राजस्थान के अंदर जो भी होता है वो केंद्र सरकार को भी उतना का उतना कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र सरकार राजस्थान सरकार या कोई भी राज्य सरकारों को ना तो वित्तीय संसाधन दे रही है, लगातार उनकी उनकी जो मतलब आय है उसमें कटौती करती जा रही है। जीएसटी के बाद में लगातार राज्यों के ऊपर आर्थिक संकट है, लेकिन केंद्र सरकार ने आपको पता होगा कि राज्यों की कोई मदद नहीं की। किसान से वादा राजेंद्र जी आपने किया था, आप हमने किसान से वादा किया क्योंकि हम किसानों के हितैषी हैं। आपने वादा पूंजीपतियों से किया और आपने पूंजीपतियों के कर्जे माफ किए। आपने 11 लाख करोड़ का पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया या नहीं किया, इस बात का जवाब चाहिए मुझे। 11 लाख करोड़ का कर्जा पूंजीपतियों का आपने माफ किया, हमें किसानों का कर्जा माफ चाहिए। आपको जवाब देना पड़ेगा, ये नेशनल चैनल है, इस पे आपको जवाब देना पड़ेगा। कर्ज माफी का क्यों नहीं वादा पूरा कर रहे आप किसान के साथ में? संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था कि नहीं किया था आपने? ओपी जी, किसानों की जमीन नीलाम ना हो इसके लिए आप राज्य सरकार से क्या मांगते हैं? सरकार को क्या करना चाहिए? अरे गेंद इनके पाले में, केंद्र सरकार के अधीन जो रिजर्व बैंक है वो नीलामी कर रहा है, नेशनलाइज बैंक नीलामी कर रहे हैं, राज्य सरकार के बैंक। राजेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। ओपी जी से मेरा सवाल है कि किसानों की जमीन नीलाम ना हो तो वही आपने किसानों को कि संपूर्ण कर्जा माफ, संपूर्ण कर्जे में तो सारे बैंक आ जाते हैं, कोई 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 कर्जा बकाया नहीं रहता जब संपूर्ण नाम लग जाता है। अरे वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम दे तो रहे ओपी जी, ओपी यादव जी, वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम दे रहे हैं। केंद्र सरकार को माननी चाहिए ना, केंद्र सरकार को माननी चाहिए। जब आप पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर सकते हो तो किसानों का क्यों नहीं, मुझे इस बात का जवाब चाहिए इस चैनल पे। नहीं, जब आप बोल रहे थे तो आपको होश नहीं था क्या? आप ये बताइए ना, आप पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर सकते हो लेकिन किसानों का नहीं कर सकते, ये दोहरा चरित्र क्यों है? ओपी जी, किसानों का भ्रमित किसने किया? ओपी जी, आपसे सवाल रहेगा, कर्ज चुकाने में नाकाम रहे किसानों की जमीन नीलाम हो रही है, ऐसे में एक विपक्ष के तौर पर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? हम उसकी जमीन को बचाने की हर संभव कोशिश करेंगे। पता ही नहीं है, राजस्थान सरकार ने विधानसभा से कानून पारित कर दिया, वो कानून राज्यपाल दबा के बैठे हुए, इनको पता नहीं है। अरे भैया, भाजपा के लोगों को पता ही नहीं है, ये जाए तो सही, क्षेत्र में जाके किसानों के साथ खड़े तो हो। नहीं, जनता तो ये किसानों से मुंह छुपाते फिर रहे हैं, तैयार नहीं हो गए उसका, आप झूठ ही क्यों बोल रहे? अरे झूठ नहीं है, ये सच है, ये सच है। आप राजभवन से पूछ लीजिए, माफ नहीं होगा, कर्जा लेंगे समय पे भरिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, ओपी जी, मैं आपके पास फिर वापस लौटूंगी। अवधेश जी से मैं जानना चाहूंगी, अवधेश जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखा जा रहा है लगातार कर्ज माफी की बात सामने आ रही है, उसमें सियासी घमासान भी देखा जा रहा है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? किस तरीके से बचाया जा सकता है किसानों की जमीन नीलामी से? देखिए, इसमें कोई दोराय नहीं है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने घोषणा पत्र में संपूर्ण कर्ज माफी का वायदा किया था, और उस वायदे को करते समय जो कर्ज माफी की प्रक्रिया है उसकी संपूर्ण अनदेखी की थी। या तो वायदा करने से पहले पता नहीं था कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और जो भूमि विकास बैंक हैं उनका कर्जा राज्य सरकार माफ नहीं कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह सवाल उठाने का पूरा हक है। वो ये सवाल उठाए कि आपने वादा किया था संपूर्ण कर्ज माफी का जो आपने पूरा नहीं किया, लेकिन जो जो तकनीकी बात राज्य सरकार कह रही है, जो जो कांग्रेस के साथी भी बहस में कह रहे हैं कि हमने एक एक प्रस्ताव दिया है केंद्र सरकार को कि आप इस तरह से इसका सेटलमेंट करा दीजिए, तो क्या केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस तरह का सेटलमेंट कराए? और क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है जो यहाँ पर विपक्ष में है और केंद्र में सत्ता में है,
जिसके 25 के 25 सांसद राजस्थान से हैं, वो उस तरह का प्रयास करें कि कोई बीच का रास्ता निकाल के किसानों को राहत मिली। आपने बिल्कुल प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कांग्रेस के ऊपर, जिसने संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया और संपूर्ण कर्ज माफी नहीं हुई। लेकिन आपके इस सवाल उठाने से आपको कोई राजनीतिक फायदा तो हो सकता है, लेकिन किसानों का इससे क्या लाभ है? या तो आप ये वादा कीजिए कि हम सत्ता में आएंगे तो हम किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी कर देंगे जी, या आप ये कीजिए कि इसका कोई बीच का रास्ता, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे, आप भी बात कीजिए, हम भी बात करेंगे और किसानों को राहत मिले, उनकी जमीनें नीलाम नहीं हो जी। और यहां पर एक सवाल ये भी है, जिस तरह से कॉरपोरेट लोन बांटे जाते हैं, बड़ी संख्या में बांटे जाते हैं किसानों को, तो किसानों के ऋण का परसेंटेज निकालेंगे तो वो कॉरपोरेट लोन के मुकाबले बहुत कम है। वहां पर कोई लोन नहीं चुकाता है, कोई डिफॉल्टर होता है तो उसको इतनी सारी सहूलियतें हैं, उसका लोन फटाफट इस तरह से रिकवरी उसकी नहीं होती है, एनपीए हो जाता है फटाफट। यहाँ पर किसानों के साथ इतनी सख्ती क्यों होती है? वो लोन नहीं चुकाता है तो उसकी पूरी जमीन आप नीलाम कर देते हैं। और कई जगह तो ये देखा गया है कि जो डीएलसी रेट है, जैसे दौसा मामले में देखा गया, डीएलसी रेट से भी कम मूल्य पर उसकी जमीन की नीलामी हुई। ये कहाँ का न्याय है? इस तरह का जो आचरण है वो तो ब्याज माफिया भी नहीं करता है। इस तरह का आचरण आप किसान के साथ कर रहे हैं, तो किसान सबसे ज्यादा दुविधा में किसान है, सबसे ज्यादा छला गया किसान है। क्या किसी के पास उसका कोई समाधान है, चाहे सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, चाहे विपक्ष के पास? जी अवधेश जी, मैं आपका फिर से रुक करूंगी, लेकिन राजेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी। राजेंद्र जी, राज्य सरकार का कहना है कि उनका वायदा सहकारी बैंकों के किसान कर्ज माफ को लेकर था और वो उन्होंने कर भी दिया। अब जो किसान कर्ज में है वो नेशनलाइज बैंक के हैं जहां राज्य का दखल नहीं है, तो क्या अब इन किसानों की कर्ज माफी केंद्र सरकार पर निर्भर करती है? देखिए आयुषी जी, मैंने आपको जैसा शुरू में भी बताया था कि राजस्थान सरकार ने नवंबर 2020 के अंदर 5 एकड़ से कम भूमि, कृषि भूमि को नीलाम ना करने का एक कानून विधानसभा से पारित किया, और वो विधानसभा का जो पारित कानून है वो राज्यपाल जी की स्वीकृति मिल जाए तो वो कानून बन सकता है और वो एक तरीके से सब पे नियम लागू होगा। अब यहाँ समस्या नेशनलाइज बैंक ही नीलाम कर रहे हैं किसानों की भूमि, और यहाँ पर जो आपके हमारे बैंकर बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इस तरीके से नहीं है, लेकिन यहाँ जागरूकता का अभाव है। ये भाजपा के लोग राजनीति कर रहे हैं, इनसे पूछो कि ये जाके वहां पर क्षेत्र में देखें कि राजस्थान सरकार ने 5 एकड़ से कम भूमि का कानून भाई बना दिया, आज मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया कि भाई किसी तरीके से नहीं की जाए, लेकिन नेशनलाइज बैंकों पर नियंत्रण केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार का रिजर्व बैंक या केंद्रीय वित्त मंत्रालय है जो वो इस पे फैसला दे। और राजस्थान सरकार ने एक बार फिर ओपी जी का रुख करना चाहूंगी। ओपी जी, जैसा कि आपने सुना कि राजेंद्र जी ने कहा कि अब इसमें केंद्र का ही दखल होना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है, आपका क्या कहना है इस पे? केंद्र सरकार को मानना चाहिए वन टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव, इससे नेशनलाइज बैंक का कर्जा भी माफ हो जाएगा। तो आज दोनों तरीके से बातें हो जाएगी, कांग्रेस करे और भुगते बीजेपी। ऐसा बीजेपी का कौन सा घर का पैसा है यार, कैसी बातें कर रहे हो? बीजेपी का घर का पैसा है क्या? आज बीजेपी और कांग्रेस की बात कहा गया, किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान इस देश का अन्नदाता है कि नहीं है ये बताइए मुझे। आपने 11 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट्स के माफ कर दिए तो किसानों के क्यों नहीं माफ करते? आप इस बात का जवाब दीजिए मुझे। जी ऐसी परिस्थिति नहीं, हमने किया ना, हमने माफ किया, लेकिन आपने तो एक पाई भी माफ नहीं किया आज तक किसानों की। आपने एनपीए मतलब पूंजीपतियों के माफ कर दिए, आपने अपने जो किसानों के साथ में धोखा क्यों? राजेंद्र जी, ओपी जी, आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक बार रुख करना चाहूंगी प्रेम जी का। प्रेम जी, अब इस पूरे मुद्दे पर क्या किया जा सकता है, इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आ सकता है, कैसे किसानों को बचाया जा सकता है, उनकी जमीनों को बचाया जा सकता है? लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जो छोटे किसान हैं उनको 1 लाख रुपए तक के कर्जे के लिए कोई भी जमीन बंधक नहीं करनी पड़ती, तो 1 लाख का लोन कौन देगा? 5 एकड़ तक की जमीन जिसकी है वो 1 लाख तक का लोन देता है, उसमें जमीन नहीं बंधक होती है, और अगर जमीन बंधक नहीं होती तो फिर नीलाम भी नहीं होती। और जहाँ जो जमीन नीलाम की नौबत आती है वो बड़े किसान है, जहां पे उन्होंने लिया और इरादतन अगर पैसा नहीं दिया तभी उसको जो है इस तरह की नौबत आती है। अदरवाइज अगर वो किसी परिस्थिति की वजह से वो नहीं दे पा रहे जी, तो जी। जितने भी हमारे बैंक है, नेशनलाइज बैंक जो आरबीआई के अधीन है, वो प्रॉपर उनका रीशेड्यूलिंग करते हैं,
और जरूरत पड़ती है तो वन टाइम सेटलमेंट भी होता है जी। जैसा मैंने पहले ही बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10% लेके भी जो उसको किया जी। तो आप चारों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, राजेंद्र जी, ओपी यादव जी, अवधेश जी और प्रेम जी। खासा डिस्कशन रहा हमारा इस पे, तो देखा गया कि कर्ज के जाल में कैसे किसान फंसा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जो सफर प्यार से कट जाए।